साल था 1960। ऑस्ट्रिया के घर में रहने वाले 13 और 14 साल की उम्र के दो भाई फूट फूट कर रो रहे थे, क्योंकि उनके पिता उन्हें काफी ज्यादा टॉर्चर करते थे। लेकिन वो पुलिस से शिकायत भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके पिता खुद एक पुलिस ऑफिसर थे। वो हिटलर की नाजी पार्टी के सदस्य रह चुके थे, इसलिए तानाशाही उनके खून में थी। वो अपने बेटों को एक दूसरे से लड़ाते थे, हर काम को दोनों के बीच में एक कंपटीशन में बदल देते थे, और जो हारता था उसे बेल्ट से मारते थे। इस तरह इन दोनों भाइयों का बचपन काफी ज्यादा फिजिकल और मेंटल टॉर्चर से होते हुए गुजरा। पिता के अत्याचार की इन बेड़ियों को तोड़कर 21 साल की उम्र में एक भाई तो ऑस्ट्रिया से भागकर अमेरिका आ गया, लेकिन दूसरा भाई वो तो डिप्रेशन में नशे की लत का शिकार हो गया। और 3 साल बाद उस लड़के ने 24 साल की उम्र में एक बिजली के खंभे से अपनी गाड़ी भिड़ा दी और वहीं उसकी मौत हो गई। जबकि अमेरिका आया लड़का कोई और नहीं बल्कि मिस्टर अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर थे, जिन्होंने सबसे पहले अपने समय की सबसे बेहतरीन बॉडी बनाकर दर्जनों वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए, फिर अनगिनत सुपरहिट फिल्में की और आखिर में कैलिफोर्निया के गवर्नर भी बने। और 76 साल की उम्र में आज भी अर्नोल्ड दिन रात काम करते हैं। लेकिन चाइल्ड अब्यूज का शिकार हुए इस गरीब बच्चे ने इतनी उपलब्धियां कैसे हासिल की, आज जानेंगे अर्नोल्ड की कहानी उन्हीं की जुबानी। लेकिन उससे पहले आप लाइव मोटिवेट टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। मैं यहां सफलता के बारे में बात करने आया हूं। सफलता का सबसे पहला नियम है एक क्लियर विजन होना। देखिए, जब तक आपका विजन क्लियर नहीं होगा, तब तक आप अपने जीवन में एक सटीक लक्ष्य तय नहीं करोगे। तब तक आप यहां से वहां भटकते रहोगे और आखिर में कहीं भी नहीं पहुंच पाओगे। आप में से काफी कम लोग जानते होंगे कि मेरा जन्म वर्ल्ड वॉर टू के बाद साल 1947 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। लेकिन बचपन से ही मुझे ऑस्ट्रिया कुछ खास पसंद नहीं था। मैं जल्द से जल्द वहां से बाहर निकलना चाहता था, क्योंकि मैं खुद को एक किसान या फैक्ट्री के मजदूर के रूप में नहीं देखना चाहता था। हालांकि मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं वहीं रहूं और एक नॉर्मल लाइफ जीना शुरू करूं, लेकिन ये उनका विजन था, मेरा नहीं। क्योंकि मैं जानता था मैं कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुआ हूं, मुझसे ये नॉर्मल काम तो नहीं हो पाएंगे। मुझे याद है जब मैं 11 साल का था, तब एक दिन स्कूल में हमें अमेरिका की डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई थी, जिसमें ऊंची ऊंची इमारतें, बड़े बड़े ब्रिज, 6-lane highways और पहली नजर में पसंद आ जाने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर था। बस तभी मैंने ठान लिया था कि मुझे ऑस्ट्रिया के इस छोटे से गांव में तो नहीं रहना है, बल्कि अमेरिका जाना है। फिर एक दिन मैं स्कूल से निकलकर एक टॉय एंड बुक्स स्टोर में गया, जहां मुझे एक मैगजीन दिखी जिसके कवर पर रेस पार्क की तस्वीर थी, जो उस वक्त 3 बार मिस्टर यूनिवर्स बन चुके थे। मैंने वो मैगजीन देखी, तभी मेरे दिमाग में बत्ती जली कि बस यही मेरे जीवन की ब्लूप्रिंट है। मैं रेस पार्क की तरह एक बॉडी बिल्डर बनना चाहता हूं, मैं उनकी तरह ही मूवीज में काम करना चाहता हूं और करोड़ों अरबों डॉलर्स कमाना चाहता हूं। उस दिन के बाद मुझे इतना सुकून महसूस होता था कि मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि अब मैं जान चुका था कि मुझे कहां पहुंचना है। बस जरूरत थी तो वहां पहुंचने का रास्ता खोजने की। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब आपको आपके लक्ष्य के बारे में पता होता है तो वहां पहुंचना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ लक्ष्य के बिना मेहनत करने वाले लोग हमेशा यहां से वहां भटकते रहते हैं। जब मैं दिन में 5 से 6 घंटे वर्कआउट करता था, तब लोग मुझसे पूछते थे कि इतने दर्द के बावजूद तुम्हारे चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट क्यों रहती है। तब मैं उन्हें कहता था कि मैं जानता हूं कि मुझे कहां जाना है और मैं वहीं पहुंचने के रास्ते पर हूं। मेरी आंखों के सामने सिर्फ एक ही गोल था, मिस्टर यूनिवर्स बनना, और एक्सरसाइज का हर एक रिपीटेशन मुझे अपने लक्ष्य के थोड़ी करीब ले जाता था। मैं दिन के 2000 सिटअप्स लगा लेता था, 500 पाउंड्स की बेंच प्रेस करता था, अनगिनत पुलअप्स करता था, और इसके अलावा मैं अपनी स्टडीज भी करता था और खर्च निकालने के लिए नौकरी भी करता था। मेरे पास जरूरी सप्लीमेंट्स के लिए पैसे भी नहीं होते थे, लेकिन मिस्टर यूनिवर्स बनने के जुनून ने मुझे रुकने नहीं दिया और 20 साल की उम्र में लंदन जाकर मैं मिस्टर यूनिवर्स बन गया। मैं उस वक्त का सबसे यंगेस्ट मिस्टर यूनिवर्स था, और यह इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि मेरे पास गोल था। इसलिए आप अपने जीवन में चाहे कुछ भी करो, लेकिन गोल या पर्पस का होना उतना ही जरूरी है जितना जिंदा रहने के लिए सांस। दोस्तों, हर बॉडी बिल्डर की तरह अर्नोल्ड को भी कई सारी इंजरीज हुई, लेकिन उन्होंने कभी किसी प्रॉब्लम के सामने हार नहीं मानी। साल था 1997,
अर्नोल्ड को पता था कि उनके हार्ट में एक ऑर्ट्रिक वॉल्व में दिक्कत है, जिसकी वजह से वो एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रहे थे और उनकी जान को भी खतरा था। दरअसल एक ऑर्ट्रिक वॉल्व में 3 लीफलेट्स होते हैं, लेकिन अर्नोल्ड के वॉल्व में सिर्फ 2 थे। ऐसे में डॉक्टर्स ने उन्हें कहा कि एक मैकेनिकल यानी कि कृत्रिम वॉल्व लगाना ही सही डिसीजन होगा, लेकिन इससे उनकी फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज कैपेसिटी पर काफी गहरा प्रभाव पड़ सकता था, यानी कि आगे वो बॉडी बिल्डिंग नहीं कर पाते। इसीलिए उन्होंने रिस्क लेते हुए अपने ही हार्ट में से एक पल्मोनिक वॉल्व को ऑर्ट्रिक वॉल्व की जगह लगवाकर ओपन हार्ट सर्जरी करवाई, जिसमें उनकी जान भी जा सकती थी। लेकिन सर्जरी सक्सेसफुल रही और रिकवरी करके अर्नोल्ड ने फिर से बॉडी बनाना शुरू कर दिया, जिसके महज 4 साल बाद अर्नोल्ड की मोटरसाइकिल क्रैश हो गई और उनकी 6 पसलियां टूट गई। 2006 में एक और क्रैश में उनके लिप्स पर गहरी चोट आई और 15 टांके लगे, जिसके बाद 2018 में उन्हें एक बार फिर से ओपन हार्ट सर्जरी करवानी पड़ी। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इतनी बार सीरियस हेल्थ कंडीशंस में ऑपरेशन करवाने के बावजूद अर्नोल्ड ने कभी खुद को कमजोर नहीं होने दिया, बल्कि हर मुश्किल के बाद में वो बाउंस बैक करते रहे, क्योंकि अर्नोल्ड कहते हैं कि ताकत जीतने से नहीं आती, आपके संघर्ष आपकी ताकत पैदा करते हैं। जब आप मुसीबतों से गुजरते हैं और हार नहीं मानते हैं, वही ताकत है। चलिए आगे की कहानी हम उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। एक क्लियर पर्पस होने के बाद जीवन में सफलता का दूसरा राज है लोगों की मत सुनो, और ना कहने वालों की तो बिल्कुल नहीं। मैंने आज तक जो कुछ भी हासिल किया है, उसे शुरू करने से पहले मैंने आसपास के लोगों के मुंह से एक ही बात सुनी थी, ये इम्पॉसिबल है, तुम ये नहीं कर सकते। लेकिन जब भी मुझे कोई ये कहता था कि आई कैन बी डन, तो मैं सुनता था आई कैन बी डन। जब वो कहते थे नो, तो मैं सुनता था यस। जब वो कहते थे इम्पॉसिबल, तो मैं सुनता था इट इज पॉसिबल। मैं नेल्सन मंडेला के बात से काफी प्रभावित रहा। वो कहते थे कि हर काम तब तक नामुमकिन होता है जब तक कोई उसे करके दिखा नहीं देता। ये बात याद करते हुए ही मैं खुद को कहता था कि इस काम को सबसे पहले करने वाला इंसान मैं ही बनूंगा। मैं नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाऊंगा और मैं ना कहने वालों की बात को बिल्कुल अनसुना कर दूंगा। देखिए, कोई भी इंसान किसी काम को नामुमकिन इसलिए कहता है क्योंकि या तो वो उस काम को करने में फेल हो चुका है, या फिर उसमें वो काम करने की हिम्मत ही नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है कि वो नहीं कर सकते तो आप भी नहीं कर पाओगे। मैं जब ऑस्ट्रिया से अमेरिका भागकर आया तो मुझे इंग्लिश काफी कम आती थी, लेकिन मैंने कॉलेज जाकर इंग्लिश सीखी, आसपास के लोगों को देखकर एक्सेंट सीखा और एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करके इंग्लिश को डर कर नहीं बल्कि इमोशंस के साथ बोलना सीखा, और आखिरकार मुझे इंग्लिश आ गई। मुझे याद है आज भी कि मेरी पहली मूवी हरक्यूलिस बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह जा गिरी थी, लेकिन मैं उससे बिल्कुल भी निराश नहीं हुआ, क्योंकि शुरू से ही मेरी सोच यही रही कि विनर्स वो नहीं होते जो कभी फेल नहीं होते, बल्कि वो होते हैं जो कभी हार नहीं मानते। जिसके बाद मैंने 2-3 एवरेज फिल्में की, लेकिन उसके बाद अचानक से मुझे यूनिवर्सल स्टूडियोज की तरफ से कोनन दी बारबेरियन में लीड रोल प्ले करने का ऑफर मिल गया, और जब मैंने वो रोल परफॉर्म किया, उसके बाद फिल्म के डायरेक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता है क्या कहा? जी हाँ, अगर हमें इस फिल्म के लिए अर्नोल्ड नहीं मिलता तो अर्नोल्ड जैसा ही कोई एक्टर बनाना पड़ेगा। अब आप ही सोचिए, जब मैंने बॉडी बनाई थी तब कई लोगों ने कहा था कि ये इतनी ज्यादा मस्कुलिन बॉडी का टाइम नहीं है, आप क्या कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। मगर उसके कुछ सालों के बाद ही उसी बॉडी के साथ जिसको लोगों ने नकार दिया था, कोनन द बारबेरियन फिल्म की, और वो बॉक्स ऑफिस पर इतनी सुपरहिट रही कि दूसरे बॉडी बिल्डर्स भी मेरी जैसी बॉडी बनाने की कोशिश में लग गए। इसीलिए तो मैं कहता हूं, आज जो तुम दर्द महसूस कर रहे हो वो कल ऐसी ताकत बनेगा जिसका तुम एहसास करोगे। तो दोस्तों, आपने अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की इस स्ट्रगल टू सक्सेस स्टोरी से क्या सीखा, और अगले वीडियो में आप किस महान इंसान की स्पीच सुनना चाहते हैं हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और 2100 लाइक्स के इस लक्ष्य को हासिल करने में हमारी मदद करें।